देखिए, सबसे पहले तो मैं मानसी डोवाल को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ कि मानसी ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत किया है इस फिल्म को लाने में और सामने प्रेजेंट करना, क्योंकि जब कोई फिल्म बनती है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट की तरफ से देखते हैं, लेकिन जब लोग उनको बनाते हैं तो उनके पीछे का जो काम होता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी मानसी की, मैं एक शादी अभी बाकी का एक पार्ट बन रही हूँ, इसमें मैं एक हरियाणवी करैक्टर प्ले कर रही हूँ जो बॉबी नाम की करैक्टर प्ले है, जिसमें बॉबी कुछ गायों को रिलेटिव से कुछ लोगों को मतलब गायों का चारा खिलाने का जो भी बताया है, तो काफ़ी कॉमेडी पंचीज हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। मेरी हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं इन सब को दिल से दुआएं देना चाहती हूं और मैं इस सब्जेक्ट को शादी विवाह को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूं कि सुपर डुपर हिट हो। और प्रेम चोपड़ा जी हैं, आई रियली फुल रिस्पेक्ट यू, जिसे ओल्ड सिटीजन बहुत बड़े एक्टर हैं, लीजेंड एक्टर हैं वो, और इससे पहले भी मैं कई फिल्में कर चुकी हूँ, ऐसे नहीं अग्निपथ मूवी कर चुकी हूँ, बहुत कर चुकी हूँ, और जस्ट मेरी अभी कुछ मेरी भी आने वाली फिल्म है ब्रीड, जो ट्रांसजेंडर बेस पे है। तो इन लोगों के साथ में मेरा 15 साल से एक्सपीरियंस है सबके साथ में। हाँ जी, हाँ जी, मैं ऐसा दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ, मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए, और दर्शकों को कहना चाहूँगी कि एक कॉमेडी है और इस कॉमेडी को एक नए ढंग की कॉमेडी है जिससे बिल्कुल अलग है। आप बहुत सारी कॉमेडी देखते हैं लेकिन जब इसको देखोगे तो आप बहुत सारी जो पुरानी फिल्म है उनकी कॉमेडी को भूल जाओगे। एक सस्पेंस की कॉमेडी फिल्म है। थैंक यू सो मच, इससे थैंक यू सो मच। This Shaadi Abhi Baaki hai film. This is Magic Entertainment Production. As you know, Magic Entertainment Production, directed by Mansi Dovhal and produced by we have Vipul Patel. So before going further, ladies and gentlemen, I would like to call Mansi Dovhal here to speak few words about this film. Yeah, because you know we'll start from you only. So we have Mansi Dovhal here. I want a huge round of applause. Taaliyan aise honi chahiye ki aisa lage koi zabardast. Thank you. So just say a few words to our audience about this movie and about your thoughts. Arey, warm light for you. Thank you so much. Thanks for support and thanks for coming here. शादी अभी बाकी है अपने आप से ही कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगता है। हाउ यू थॉट दैट नेम शादी अभी बाकी है? या मेरे भी बाकी है ना। सो इट्स अ रियल टॉपिक, शादी अभी बाकी है, एक्चुअल में बाकी है शादी। एंड यू नो दिस फिल्म इज गेटिंग रिलीज्ड ऑन 17th नवंबर। दिस कमिंग 17th नवंबर दिस फिल्म इज गेटिंग रिलीज्ड एंड इन एसोसिएशन विद एपकॉम। एक्सक्यूज मी, यस, मेरी भी शादी बाकी है। दैट्स ट्रू। So, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी शादी बाकी है और मुझे लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद शादी पूरी हो सकती है। एंड वी हैव यू नो सो मेनी लाइक रिव्यूज एंड रिव्यूज यू नो व्हिच विल टेक आफ्टर दिस यू नो रिलीज। एंड दिस फिल्म इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन 17th नवंबर, राइट, इन एसोसिएशन विद एपकॉम एंड पेक्स एलएलपी। सो या So I would like to call Vijay Chakriwal and Sharmin, Lokesh Garg, our film is being distributed in association with Apex. So the team of Apex has specially come from Jaipur and I would like to call them here and I will honor Prem Chopra ji, who is the legendary star of Bollywood, and we thank him to be part of our film. And
So ladies and gentlemen, before you know we'll call all celebrities here, I would like to give you, just sit back and relax with us because I want your eyeballs here on the promo of the Shaadi Abhi Baaki Hai. So eyeballs will never or kahin na jaye because we have a lovely beautiful promo here of Shaadi Abhi Baaki Hai. So let's Shaadi Abhi Baaki Hai. And I want huge round of applause. Zabardast taaliyan, achhi bhi awaaz nahi aati. Abhi bhi kam hai, zabardast taaliyan dosto. That's great. So, first, now the time have to introduce few people here who are all are actually very, very important. And let me introduce first the great legend of our Bollywood industry, Mahanayak. We can say icon of my father's generation, and you can say my generation also. So I would like to call up on stage the one and only, none other than, Sri Prem Chopra ji. Please come on the stage. Aur jab tak wo yahan par na aaye, taaliyan basti rehni chahiye. I want a huge round of applause for our legend, Sri Prem Chopra ji. Taaliyan basti rehni chahiye jab tak wo yahan tak na aaye. Please sir, welcome. So friends, it's a love we have. The one and only, the legendary of our Bollywood industry and also manager Subhadayaki Mahanayak, an icon of our generation. So sir, what do you say to our generation? Kuch few words from your mouth. Quite a tragedy with me. Nowadays, people like my friend, they think their father was my fan. So I'm forced to play the roles of fathers and grandfathers. So I would like to play different characters, but I'm playing different characters also. But this film has been made with a great amount of passion, very hard work, and I would give 100% to Mansi because she has been solely responsible for making this film. With all the difficulties, she did it so well and she completed the film. Mansi, come in. Please come here. And you must give her a big hand because she has hard work, total devotion and dedication to the film that she's been able to make it and complete it and going to release it. I'm very glad for her. It's very difficult to make a film like this and also be able to release it. But she has done a good job and as an actress, she's an actress, producer, as well as director and so many other things combined into one. And editor also. So I wish her all the best in this picture. And we need your cooperation, all the press people to publicize this film in a very positive manner. Silence! And hard work should not go waste. Thank you so much. Thank you all of us. Sir, I would like to ask you, you are already legend and you have done so many films in our industry. So, what sets aside Shaadi Abhi Baaki Hai from the rest? It's a different concept of cinema. Nowadays, the people are accepting different cinema. It is definitely the picture should be accepted by people. Because it's very interesting and if this picture succeeds, it will be able to create a trend by itself for many other people to follow. That's great, but with you, I would like to call other stars of this, star cast of this movie. Let me call, we have Mansi Dovhal here already. Amit Bhaskar, the hero of the film. Okay, that's great. Sonika Chopra ji, her short film was nominated for Oscar. Give a huge round of applause. Taaliyan basti rehni chahiye dosto. This is our family, actually this is our real family. Next, we have the charming Shireen Parveen. Zorda Taaliyan ke saath, dosto. We have handsome Ravi Hussain. Next we have Shakespeare. And Bobby Kumar, Shakespeare, William Shakespeare said, what's in a name? This world is a stage and we all are performing. Thank
That's great. So you can see we have a wonderful family. Now, Zora, come here. हम लोग तो सामने से एक साथ देखना चाहते हैं कि how the cast is looking, my God. Can you see, guys? एक बार जोरदार इनकी मेहनत के लिए तालियां हो जाए. इतनी हार्ड वर्क इन लोगों ने करा है शादी भी बाकी के लिए. So one sec, sir. One second, sir. One minute, sir. That's great. So I would like to ask from the cast, like, you know, you did the shooting for the film. So that's great. So how was the that period, you know, when you were shooting? How was it? It was difficult. You have you enjoyed that, you know, shooting of the film? Very enjoyable. Who wants to say? Especially when you see Mr. Chopra, legendary star with you, you get this inspiration to do better. Okay. And watching him and Mansi, of course, okay. She's the best. She's a friend, but I saw a different, you know, like a different Mansi. Full of ambition, full of talent, creative, and a very good host, Nipesh especially, because when we shot, I was starting a diet, so they gave me all the kind of food I wanted. You know, they made us feel very comfortable. So as actors, it's very helpful. Your best talent comes out when you feel very comfortable. And of course, the legendary Mr. Chopra makes this, you know, so much respect we have for Mr. Prem Chopra. I'm saying Mr. Chopra. I just can't say Prem because we love Mr. Prem Chopra. Always. That's great. So now tell me, are you excited for the, you know, this film release? Why not? Yes, ma'am. Oh yeah, I'm super excited. And now I would like to call upon like the music team, the singers, because we are here for the music launch. And thanks to because of Premji and the support that I've been able to complete the film. Yeah, so let me call the first music director, Sanjeev Darshanji, if you are here. Come and join us. Shekhar. Let me call on stage. We have singers here. Krishna, Viola, if you are here, please come on the stage. Sohan Chakravarti, Kalpana ji. And Anurag ji, if you are here, please come here and join. So we have singers also because, you know, the film is a little incomplete without those singers. Because songs are our Bollywood industry ki aisi pehchan hai jo hamari movie ko itna behtareen bana deti hai aur us movie ke andar aisa rang dal deti hai jisse hum us movie ko dekhne ke liye 20, 30, 40, 50% और इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सर आप लोग सारे एक साथ हो जाइए एंड दैट्स ग्रेट सो ही इज द पर्सन हु हैज गिवन द म्यूजिक फॉर द फिल्म गिव अ ह्यूज अप्लॉज फॉर हिम सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस मूवी व्हाट डू यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस मेहनत बहुत है वो मुझे लेके से सामने आप में से कुछ एनीवन टू वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मानसी अच्छे गाने के लिए मुझे बुलाया और इतना अच्छा म्यूजिक है संजीव दर्शन का सो कृष्णा कुछ कहना चाहोगे हमारे हमारे वी आर नॉट एक्टर्स सो कहने के बजाय गाना बेहतर है ठीक है तुम पे तेरे इश्क ने गम से नवाजा है ये जख्म अभी तक ताजा है तेरे इश्क
इश्क ने हमसे नवाजा है हुबे जा हुबे जा हुबे जा हुबे जा या माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन है आपके मतलब एफर्ट्स और जो क्या कहते हैं आपके इनपुट्स की वजह से गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ थैंक यू सो मच थैंक यू एंड कांग्रेचुलेट एवरीबॉडी तस्वीर की तरह है ये जो खुश नसीब लम्हे चाहत में भूल गए दिल के करीब लम्हे मेरे सामने सजती हो जब तुम फिर भी दिल में आती हो जब तुम Let me first congratulate the entire team of Shaadi Abhi Baaki here and especially Mansi. Obviously, Mansi is going to be with Shaadi. इसमें बहुत अच्छे के बाद ये गजल फिल्म के अंदर आ रही है और जो मैंने गाई और कंपोज किया लिटरली मानसी नासिर बहुत अच्छी डायरेक्टर है बहुत अच्छा एडिट किया जैसे प्रेम जी ने भी कहा कि सभी फैसेट्स में बट इन्होंने जिस तरह से मतलब हम सबसे हार्ड वर्क करें खासतौर से मानसी की तरह मेरे को ये सिचुएशन में इस तरह की गजल चाहिए इस तरह का म्यूजिक चाहिए तो उसकी दो लाइनें मैं गा देता हूँ अगर आप सब लोग इजाज़त दें पीछे जाम भी हमारा बहुत इंतजार कर रहा है उसके लिए मुझे ये गजल मैंने इसमें जो गाई है उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी वक्त इतना कभी खराब न हो वक्त इतना कभी खराब न हो हाथ में जाम हो शराब न हो वक्त इतना कभी खराब न हो I just want to say that everybody please go and see, watch the movie in the theater. Yes. Yes. You can see the effort. Music class. Music class. Mr. Vijay, the team of the epics. Mr. Rokra, Hansham ji, Ekra ji. Now we'll release the music. Yes. CD of Shaadi Abhi Baaki hai. And our movie ka promotional song, which is the main promotional song. Which you have seen funny hai. It's sung by Dilbak Singh. And we are going to show you that song. And we'll call upon Mr. Champak Jain. Mr. Champak Jain. And from Z, we have got Sharmeen here. Sharmeen, are you here? So we'll do that music CD release. Champak ji, please come here. Thank you, Champak ji. Thanks to Vinay's support. बहुत ही बेहतरीन promotional song है जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे. And it's because of support of everyone that I've been able to complete the film. Abu, let's
शादी अभी बाकी है बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं बहुत अच्छा सब पार्ट में तो मेरी शुभकामना इनके साथ है और मैं चाहता हूँ कि सभी के पिक्चर देते हैं थैंक यू Thanks to their support, now we'll be releasing the film on 17 November. Good luck! So now the time has come. We'll open the box. That's great. Sir, I would like to please be here. Abhi Dada. Hey, bow black. Hey, bow black. Hey, bow black. What is the picture here? What is the picture here? Sanjay. Sanjay. और जब ये ओपन हो जाएगा तो जोरदार तालियों के साथ इसका ओपनिंग होना चाहिए आई वांट ह्यूज अप्लॉज व्हेन यू डू द ओपनिंग ऑफ दिस शादी अभी बाकी है सर सर यहां ओपन ओपन Mohan ji, come. This is distributing. Our film is being distributed by Raymelo. And Madhu is here. Madhu is the singer of the film. Mohan ji, come. Where is Mr. Pankaj? Pankaj Jain. Ah, no. Very happy. Very happy. Mahesh Chaturvedi is here. Mahesh Chaturvedi. आसमान को छूना बाकी Jordan Nabi, give a huge round of applause. We are doing the opening here of Shaadi Abhi Baaki. So ladies and gentlemen, we have here the opening of the Shaadi Abhi Baaki hai. And now, here we have. We are doing this opening with a legendary hand. Ms. Sharmeen ji, please. If you are listening to my voice, please come here. अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं, शर्मीन जी. From Z. From Z. शर्मीन. We are very thankful and it's a special thanks for Z for giving such a beautiful platform to film. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Oh, एक नंबर. Also, the last time वो यही रुकेंगे because you know we have photography session also after this. Three lives to live. Shaadi Abhi Baaki hai. Magic Entertainment Company Limited in association with Apcor Impacts LLP presents. Shaadi Abhi Baaki hai. Meri bhi baaki hai. Thank you. Meri June mein ho gayi. Bilal ki baaki hai idhar shaadi. So I request to the whole cast please be here for the photography and rest. You can enjoy the party with food. Yummy, yummy food. Okay, go ahead. It's good, go ahead. Yes. Roll. Rolling, guys. Rolling. Sir, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए आपका किरदार किस तरह का है देखिए मेरा किरदार जो है एक जो मानसी है उसके बाप का है बहुत अच्छा किरदार है तीन स्टेजेस में बनी ये पिक्चर विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट टोटली अब कैसे बनाई बड़े खूबसूरत तरीके से बड़े पैशन से बनाई है बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ मानसी ने बनाई है माई कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट और आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए अभी इस स्टेज पे कि भाई ये इसको प्रमोट कीजिए ज़रा अच्छी तरह से पॉजिटिव तरीके से जो बाकी सब चीज़ें नेगेटिव तरीके से होती है लेकिन ये फिल्म के बारे में उसकी मेहनत जो है बेकार नहीं जानी चाहिए शादी का जो इंस्टीट्यूशन आज कितना वैलिड है सर शादी तो अल्टीमेटली इज दी थिंग इट विल स्टे देयर फॉर एवर हालांकि अगर चाहे आप शादी में मोहब्बत कहें या एडजस्टमेंट कहें या कुछ भी कहें लेकिन इट द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू स्टे इन रियल लाइफ इट इज गोइंग टू स्टे
सर बॉलीवुड में हम देखते हैं अक्सर शादियां बहुत सारे टूट जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण तो उससे पूछना चाहिए जिनकी शादी टूट गई। मैं तो 45 साल हो गए मुझे शादी की। सर तो आपका सीक्रेट क्या है शादी बरकरार रखने का? यही है कि भाई यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ with your spouse, and she has to adjust with you. So that's how the things go. And after a certain time, a friendship develops, a companionship develops, and you want to stay together because of that reason. Madam, आप कुछ बताइए कैसे पहल हुए थे इस फिल्म की, क्या आइडिया? मानसी जी जब मुझे मिली तो उन्होंने कैरेक्टर सुनाया, पिक्चर सुनाई। मैंने कहा ये अलग किस्म की पिक्चर है, ये कल नहीं चाहिए। तो फिर मैंने इरादा किया इस पिक्चर को बनाने का, तो इसीलिए मैंने हाँ कह दी। जैसा कि मानसी जी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, इसमें एक्ट भी किया है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? भाई देखिए जो शी इज़ वेरी एम्बिशियस एंड शी इज़ पुट इन ऑल हर एफर्ट्स एंड शी हैज़ ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू कैमुलेट थिंग्स and make it a successful film, complete the film, which is very difficult nowadays, as you already know. So this is my kudos to her. She's done a great job. Thank you. And I really appreciate her hard work, her total dedication and devotion to the whole thing. And now you have to pick this picture up to very positively. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी मानसी जी से पूछिए। मानसी जी जो सेट है इस फिल्म में प्रेम जी का हमें काफ़ी सपोर्ट मिला एंड थैंक्स टू प्रेम जी, संजय मिश्रा जी वो भी हमारे मूवी में थे, तो काफ़ी अच्छा एक्टर्स का जब सपोर्ट मिलता है सो एज ए डायरेक्टर आई कुड प्ले मोर एंड वॉज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट जो हमारा पिक्चर का आइडिया है। इसमें एक कहानी के अंदर तीन अलग एंडिंग्स हैं, तो बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम एक ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है बट येट टिपिकल कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म। सो द सब्जेक्ट डिफरेंट था तो कन्विंस करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा बट लकीली दे ऑल बिलीव्ड इन मी एंड मूवी इज नाउ कंप्लीट एंड रेडी फॉर रिलीज। जैसा कि कंटेंट की बात करें तो बहुत अलग थोड़ा कंटेंट है कि शादी भी बाकी है, ये कंटेंट कहाँ से आपके माइंड में आया, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो फिल्म है इट्स अबाउट द चॉइसेस दैट वी मेक, हमारी जो चॉइस होती है वही हमारा कल बनाता है, तो मूवी इज मोर अबाउट द चॉइस दैट वी मेक। और अगर हम ये चॉइस लेते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता एंड ऐसा होता ऐसा, तो मूवी इज अबाउट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ लाइफ। और अगर आपको लाइफ में तीन मौके मिले एक डिसीजन लेने के तो कैसा होगा, तो डिसीजन वन, डिसीजन टू, डिसीजन थ्री। तो ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है जो एक शादी के ऊपर बेस्ड है, एक इवेंट के ऊपर बेस्ड है, तो पूरी मूवी कलरफुल है, हैप्पी है एंड ब्राइडल फिल्म है। क्या सवाल है प्रेम जी, आजकल शादियां बहुत एक्सपेंसिव हो गई है जीएसटी आने के बाद, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अच्छी बात है, दहेज कम हो जाएगा लोगों को और शादी जो है जल्दी हो जाएगी एकदम। किसी ने पसंद, लड़का लड़की ने पसंद किया, कहेगा चलो अब शादी कर लेते हैं, मंदिर में जाके शादियां कर लेते हैं। एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी नई चीज़ें सीखी एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म एंड आई होप दैट यू विल ऑल लव द फिल्म। हमारे मूवी प्रेम जी थे, संजय मिश्रा थे, दे आर ऑल लाइक लेजेंडरी एक्टर्स एंड दे वर वेरी वेल एक्सपीरियंस एंड विद देम द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज अगर कोई सीन होता है देन दे टेक दैट सीन टू अनदर लेवल।
जो आपने विजुलाइज किया होता, दैट इज द केस विद गुड एक्टर्स, इवन विद शरीफ you know, and Shakespeare. So as a director, director, but yes, and Sonalika as well, and all the actors, of course. Thank so what you. Happens with them, they take it to another level. So that is the beauty, especially with Prem ji. And our movie jo character tha, bhai, Don Father ka tha. So being like a Don Father, uske andar Prem ji ke siwaye, uske andar koi aur, I could not even think of. So they fit into that character, and they have that persona to make it larger than life. And they amplify the character even more. इस पिक्चर का हमने दिल्ली शूट किया, मनाली, श्रीनगर, वी शॉट लिटिल बिट इन पेरिस, सिंगापुर एज वेल, एंड सो वी ब्यूटीफुली शॉट द फिल्म. इसके लिए मुझे काफ़ी होमवर्क करना पड़ा, एंड लकली माई टीम वॉज वेरी सपोर्टिव. सो राइटिंग वॉज माई पैशन बिकॉज इट इज माई इंग्लिश ऑनर, सो दैट वॉज समथिंग विच आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग. But and acting, I've done like so many South films, Hindi films, so that was on an autopilot mode. But directing is something which I was doing for the first time. So usme kafi main grow kari, like you know, by the first schedule and my last schedule dekhungi, so I was a total different person by that time. मेरे को बहुत अच्छा लगा बिकॉज मेकिंग ए फिल्म इज इन द एंड इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल. अगर मैं सोचूं कि मैं अकेले सब कुछ करूँगी, इट कांट हैपन. सो यू नीड द राइट पीपल, यू नीड द टीम वर्क, एंड यू वांट द टैलेंटेड टीम, यू नो, इट्स जस्ट द टीम इटसेल्फ. आई मीन यू नीड द राइट टैलेंट एंड द राइट पर्सन, जो आपने कैरेक्टर सोचा है, जो आपको जिस तरह आवाज़ और जो फील और जो आपको इमोशन चाहिए, उसके लिए यू वांट द राइट पर्सन. सो दैट इज द नहीं, द मूवी इज गॉट थ्री इमोशंस, द मूवी इज अबाउट थ्री लाइव्स, कि अगर लाइफ में अगर आपको तीन चांसेस मिले कोई काम करने के तो कैसा होगा. सो इस मूवी का यूनिक यूएसपी इज इन स्क्रीन प्ले. इसमें एक पिक्चर के अंदर तीन अलग अलग एंडिंग्स हैं, तो अगर आप ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा सोचते तो ऐसा होता. सो दैट मेक्स दिस वन वेरी डिफरेंट, कि जो भी इस मूवी को देखेगा, दे हैव नेवर सीन ए फिल्म लाइक दिस बिफोर, यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेमा. आप तीनों से मेरा सवाल है कि आप तीनों का इस फिल्म में किस तरह का किरदार है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, फिल्म में काम करके कैसा महसूस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज ब्लोन अवे बाय मानसी. मैंने बोला कि क्या चीज़ है, हर चीज़ में अपना हाथ, हर चीज़ में अपना दिमाग. आई वाज लाइक, ये लड़की मुझे जो कैरेक्टर देगी मैं तो कर ही लूँगी, बिकॉज शी हैड हर हैंड्स इन एवरीथिंग. कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट से बात कर रही थी, वो लाइट मैन से बात कर रही थी, जब मुझे कैरेक्टर समझा रही थी तब वो हेयर ड्रेसर से बात कर रही थी, मेकअप आर्टिस्ट से बात कर रही थी, स्पॉट बॉय से बात कर रही थी, और मुझे कैरेक्टर भी समझा रही थी. सो आई वॉज लाइक, आई बिकेम हर फैन ऑन डे वन. I said, जैसी भी पिक्चर बनेगी इनके साथ मुझे काम करना ही है. So it was fantastic. It just blew my mind. मेरा जो कैरेक्टर है, I'm playing Mansi's best friend. मेरा एक NRI का कैरेक्टर है, जो जब वो तो जब वो प्रॉब्लम में फंस जाती है, जब फिल्म आप देखेंगे आपको पता चलेगा, तो शी कॉल्स मी, आई एम देयर, और हम दोनों बैठ के वो स्कीमिंग करते हैं. तो इस फिल्म में आपको वो जो लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते कहते हैं ना, इसमें आप देखेंगे लड़का लड़की दोस्त थे और क्या स्कीमिंग करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं. तो वो जो बॉन्डिंग है, लाइक BFFs जो बोलते हैं आजकल, तो दैट यू विल गेट टू सी, वी आर लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स, शी स्टेइंग इन इंडिया, आई एम स्टेइंग अब्रॉड. ये जो हमारा केमिस्ट्री है, प्लानिंग है, रात को सब हो रहा है, शी इज़ यू नो क्लाइमैक्स किस टाइम पर है, इट्स अमेजिंग. तो दैट्स माई कैरेक्टर. आई एम अ जंकी, आई एम लाइक अ ड्रगी इन द फिल्म. मैं थोड़ा नशे में होता हूँ, थोड़ा बोले कैरेक्टर रियल में नहीं होता, सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और माहौल बन गया था रियल. एंड मेरा मुझे जब काम करने के लिए बोला गया था इस फिल्म में, तो मैं मानसी को पहले से तो जानती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऑन सेट मुझे क्या करना है. जब मैं सेट पे गई तो फिर मुझे पता चला कि मैं कौन सा रोल प्ले कर रही हूँ. लेकिन हाँ, कहते हैं लोग ना कि खाने, जब आदमी खाना खाता है तो मुंह जल जाता है, लेकिन मेरा इस फिल्म में रोल ऐसा है एक्चुअली कि देखने वालों की आँख जल जाएंगे. सो आई एम अ हॉट गर्ल इन दिस मूवी, सो दैट्स इट. किस तरह का सॉन्ग है इस फिल्म के अंदर, लाइक छह सात गाने हैं, तो किस तरह के गाने हैं, उसमें कुछ
मुझे जो गाना मिला वो एक रोमांटिक सॉन्ग है और सबसे बड़ी बात है मानसी को पता था, उसका ब्रीफ बहुत अच्छा था कि मुझे ये चाहिए, उसको पता था कि क्या क्या चाहिए उसको, तो डबिंग के टाइम पे इतना अच्छा उसका ब्रीफ था तो हम लोगों को डबिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने गाना गाया। और संजीव दर्शन का इतना बेहतरीन म्यूज़िक है, हम काफ़ी पहले से हम लोग जानते हैं कि संजीव दर्शन किस तरीके किस लेवल के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो इस फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक दिया। और सेम आई लाइक टू से सईद अगेन कि आई वुड लाइक टू थैंक मानसी कि इतने अच्छे गाने के लिए मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। हाय, मेरा नाम माधुरी पांडे है और मेरा इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जीने मेरिए, जो मानसी को एक फोक सॉन्ग है उससे इंस्पायर्ड थी वो, और उसको हमने हिंदी में रिक्रिएट किया है और हमने अपना बेस्ट दिया है, जो फिल्म में भी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होता है। सो आई एम वेरी वेरी अटैच्ड टू दिस सॉन्ग एंड माई बेस्ट विशेज टू मानसी एंड द एंटायर टीम, थैंक यू। एक लाइन गाने की, मेरा गला बहुत खराब है। इसमें देखिए मैं अपनी तरफ से, मैं अनुराग शर्मा हूँ और जहाँ तक कि म्यूज़िक के मूवी के म्यूज़िक का सवाल है तो मानसी ने जिस तरह के सॉन्ग्स इसमें रखे हैं उन सॉन्ग्स में आपको सभी खुशबू मिलेगी। अभी कृष्णा जी भी आपसे बात करेंगे जिसमें इनका एक सॉन्ग है, मैंने इस फिल्म में गज़ल गाई है और जैसा कि मैं लाइन ज़रूर पढ़ता हूँ, मेरे से बहुत रिक्वेस्ट हो रही है ऑलरेडी वो सुनकर, तो ये फिल्म में बहुत अरसे बाद एक गज़ल आ रही है। एक वक्त था जब हम अर्थ मूवी आई थी, जगजीत जी की गज़लें आई थी और एक बहुत अरसे के बाद फिर जगजीत जी ने एक और सरफरोश में गज़ल आई, लेकिन एक काफ़ी अरसे के बाद मानसी वॉज वेरी क्लियर दैट शी वॉन्टेड अ गज़ल इन दिस। और मैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने शी सच अ टफ टास्क मास्टर, वो जो सिचुएशन जैसी थी उसके हिसाब से उन्होंने मेरे से लिखवाया लिटरली, फिर मैंने कंपोज किया और फिर मैंने उसको गाया। तो अगर कहें तो दो लाइनें आपके लिए गा भी देता हूँ, दोबारा ये शेर ही पढ़ देता हूँ कि वक्त इतना कभी खराब न हो हाथ में, वक्त इतना कभी खराब न हो हाथ में, जाम हो शराब न हो। तो ये गज़ल एक बहुत अरसे के बाद आ रही है मूवी में, मैं दुआ करता हूँ कि ये गज़ल भी मकबूल हो और ये इस फिल्म का पूरा म्यूज़िक मकबूल हो। इसमें जितने गाने हैं सब अलग अलग खुशबू के गाने हैं, तो बहुत मैं शुभकामनाएँ देता हूँ मानसिक को। कृष्णा कुछ आपके लिए? संगीत बहुत अच्छा है, मेरा नाम कृष्णा बेहरा है और संजीव दर्शन जी के साथ गाने का जो एक अलग एक्सपीरियंस है वो, बिकॉज जैसे इन्होंने अभी गज़ल की बात की तो मेरा भी एक तरह से सूफियाना गज़ल है, सो इट्स लाइक अ डिफरेंट जॉनरा ऑल टुगेदर। सूफियाना गज़ल कह सकते हैं, है ना, इसको कह सकते हैं। तो दो लाइनें आपके लिए पेश कर रहा हूँ। हुबे जा हुबे जा हुबे जा हुबे जा, तेरे इश्क ने गम से नवाजा है ये दर्द अभी तक ताज़ा है, तेरे इश्क ने गम से नवाजा है। हुबे जा हुबे जा, हाँ जी अभी बोलिए।